इतवार कयो ताट को जो पांजो को इते हो गया तो वह शायद इतनी मेहनत न करे जितनी समझी थी अरौड़ यूनिवर्सिटी में सिंध के सकाफती दिन की मुनासिबत से रंगारंग तकरीब का शानदार इनेकाद तलबा व तालबात ने भरपूर शिरकत करके जानदार टेबलों पेश करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। एक माह कबल ही तालीमी मैदान में कदम रखने वाली नौ मौलूद यूनिवर्सिटी के तलबा व तालबात ने जबरदस्त परफॉर्मेंस पेश करके नई यूनिवर्सिटी के तासर को जायल कर दिया। सकाफती रंगों से सजी तकरीब में तलबा तालबात और उनके असातिज़ा भी सिंध के सकाफती लिबास के साथ टोपी अजरक पहने शिरकत करते हुए दिखाई दिए, जबकि यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर भी सकाफती लिबास में मलबूस नजर आईं। यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम के दाखिली रास्ते पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट की नुमाइश सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए नजर आई। सकाफती नगमों ने हाजरीन को अपने सहर में जकड़ कर झूमने पर मजबूर कर दिया। नौ मौलूद यूनिवर्सिटी को ग्रे स्ट्रक्चर से ग्रेटर हाइट्स तक ले जाने पर तकरीब के मेहमान खुसूसी हायर एजुकेशन कमीशन के सरबरा डॉक्टर तारिक रफी और जिना मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर अहमद सराज, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर समरीन हुसैन की तारीफ किए बगैर ना रह सके। खूबसूरत है और पहाड़ी के बीच इस तरह कटी है और इसको जो डॉक्टर समरीन इसका नक्शा बनाएंगे आखिर में जाके वो इससे भी ज़्यादा प्यारा पड़ जाएगा। I honestly believe that you can take this, if you can do this in 6 months, if you can achieve such a target, very healthy atmosphere, whatever you have made out from an auditorium, I know it's a great structure, but you have converted a barren land into a shape, and I'm sure ke bahut acha hai ki aapko yahi rakha jaye, and inshallah main very grateful hoon. If I have to recommend anybody के आइंदा इनका कहीं से ट्रांसफ़र ना हो तो आपको तो कहीं नहीं हो जाना चाहिए। हो सकता है कि ये आपके पर्सनल फैमिली के हिसाब से आपको सूट ना करता हो, लेकिन हमें तो अपना इंटरेस्ट देखना है ना, बच्चों का इंटरेस्ट देखना है। इस यूनिवर्सिटी को नीड्स यू एंड इट नीड्स ऑल दीज यंग माइंड्स जिन्होंने इतने अच्छे स्किट्स भी बना लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बावजूद। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि इफ एनीबडी कैन टेक दिस यूनिवर्सिटी टू द हाइट्स दैट इट डिजर्व्स इट्स हर। थैंक यू। पहले आपका डॉक्टर समरीन के बारे में, तो समरीन साहब जो है वो एक डूअर है, वो शख्स जो कि काम करके दिखाता है। इससे पहले बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी में थी, वहाँ भी उन्होंने उस नई यूनिवर्सिटी को जीरो से शुरू किया और उसको एक ऐसी यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जहाँ दाखिले हुए, इम्तहान हुए, फैकल्टी बनी, इदारे कायम हुए। वो जब अपने पाँव पे खड़ी हो गई तो वहाँ से वो यहाँ शिफ्ट हुई। यहाँ पर भी उन्होंने जो शुरू किया है तो यूनिवर्सिटी तो सिर्फ नाम की थी ना, इसके एक्ट बना हुआ था, लेकिन यूनिवर्सिटी स्टार्ट में फंक्शनिंग नहीं की थी। उन्होंने आने के बाद 6 माह के अरसे में जो आई है, अब देखें बिल्डिंगें बना दी हैं, ग्रे स्ट्रक्चर बन गया है, दाखिले कर दिए। हर बार कुछ नया कुछ मुनफरद कर दिखाने की माहिर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर समरीन हुसैन के मुताबिक अरौड़ यूनिवर्सिटी कुछ मुनफरद कर दिखाने का आज़म रखने के इरादे से वजूद में आई है। हम हेरिटेज की यूनिवर्सिटी होते हुए इस दिन को इग्नोर नहीं कर सकते और हम अगली बार कोशिश करेंगे कि हम इसको और मुख्तलिफ तरीके से मनाएं, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी विद अ डिफरेंस अपने आप को डिफरेंस हो अपने ऑपरेशंस में भी, अपने आउटकम में भी, और हम क्लासरूम एक्टिविटी से बढ़ के बहुत कुछ करें। आपने देखा होगा बेसिकली इस जगह का मकसद है कि एक तो हिस्ट्री से एक्सपोजर दिया जाए और इंक्लूसिव किया जाए हिस्ट्री को भी, आर्ट को भी, फैशन को भी, इस तरीके से कि वो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीमलेस एक हिस्सा बन जाए और वो उनको महसूस ना हो कि वही वाली बात कि मैंने अगर रली पहननी है तो मुझे उसके लिए मस्ती बनना पड़ेगा तो मैं रली पहन सकती हूँ। रली शुड बी पार्ट ऑफ माई यू नो फैशन वेयर, कि मैं मज़े से उसको पहन के किसी वेस्टर्न फंक्शन में भी जा सकूँ।